हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन लर्निंग वेबसाइट। दोस्तों, हम लोग आज बात करेंगे कि अभिलेख क्या होता है और अभिलेख से हमें पुरातत्व विभाग के बारे में क्या क्या जानकारियाँ मिलती हैं, इसके बारे में दोस्तों हम लोग बात करेंगे। अभिलेख के बारे में जैसे बात करें तो अभिलेख पत्थर व धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए पाठन सामग्री को कहते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर चित्र में डायग्राम में देख सकते हैं। प्राचीन काल से इसका उपयोग हो रहा है और शासक इसके द्वारा अपने आदेशों को इस तरह से उत्कीर्ण करते हैं ताकि वो लोग उन्हें आसानी से देख सकें और पढ़ सकें। दोस्तों, अभिलेख का अध्ययन पुरालेख शास्त्र तथा पुरालिप शास्त्र कहलाता है और प्राचीन भारत में के अधिकतर अभिलेख पाषाण शिलाओं, स्तंभों, ताम्रपत्रों, दीवारों तथा प्रतिमाओं पर उत्कीर्ण हैं। सबसे प्राचीन अभिलेख मध्य एशिया के बोगज कोई नामक स्थान में लगभग 1400 ईस्वी के पूर्व मिले। इस अभिलेख में इंद्र, मित्र, वरुण और नाथ से आदि देवताओं वैदिक देवताओं के नाम भी मिलते हैं। भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख मौर्य शासक अशोक के मिले हैं, जो लगभग 300 ईसा पूर्व के हैं। सर्वप्रथम 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी लिपि में लिखित अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था। मास्की, गुजरा, निटूर और उद्गेलम से प्राप्त अभिलेखों में अशोक के नाम का स्पष्ट उल्लेख है। आगे बात करते तो इन अभिलेखों में अशोक के धर्म, कारोरोपण और राजत्व के आदर्श पर प्रकाश पड़ता है। अशोक के अभिलेखों के प्रति प्राप्ति या स्थल के आधार पर उसके राजनीतिक विस्तार एवं उसकी लिपि के आधार पर उस क्षेत्र के लोगों एवं अधिकारियों के विषय में जानकारी मिलती है। अशोक के अधिकतर अभिलेख ब्राह्मी लिपि में हैं। पश्चिमोत्तर भारत में प्राप्त कुछ अभिलेख खरोष्ठी लिपि में हैं। लगमान एवं शेरकुना से प्राप्त अशोक के अभिलेख यूनानी तथा आर माइक लिपियों में हैं, जिन्हें दूभाषी अभिलेख कहते हैं। अशोक के अभिलेख मुख्यतः ब्राह्मी, खरोष्ठी, यूनानी तथा आर माइक लिपियों में मिले हैं। मौर्य एवं मौर्योत्तर काल के अभिलेख अधिकांशतः प्राकृत भाषा में हैं, किंतु इसके बाद अर्थात गुप्त और गुप्तोत्तर काल में अधिकतर अभिलेख संस्कृत में हैं। कुछ गैर सरकारी अभिलेख जैसे कि यवन राजदूत हेलोडियरस का वैसे नगर यानी विदिशा अभिलेख, गरुड़ स्तंभ लेख जिसमें द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व भारत में भागवत धर्म के साक्ष्य मिलते हैं। मध्य प्रदेश के एरन से प्राप्त 12 प्रतिमा पर हूणराज तोड़मोड़ के लिखों का विवरण है एरन अभिलेख। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड शेयरिंग।